आज हम ये देखेंगे कि why do we sneeze, what is sneeze और what happened to your body when you sneeze. आपके जिस्म के साथ, आपके बॉडी के साथ क्या होता है जब आप छींकते हैं और इससे जो है क्या फायदा होता है, और एंड में हम बात करेंगे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए एक्चुअल के अंदर जब आपको छींक आती है. तो अब इस चीज को हम में से जो ज्यादातर लोग हैं वो जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन लोगों को आज पता चल जाएगा कि छींक क्यों आती है, और जिन लोगों को पहले से पता था तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो जो है उसमें इजाफा हो जाएगा. तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट कर लें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोज हैं वो आप लोगों को आसानी से मिलती रहे. इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे फॉलो और लाइक नहीं किया तो आप लोग हमें वहां पे भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं. उसका जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप लोग हमें वहां पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई आप जो है सवाल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी जो राय है या अपना जो क्वेश्चन है वो जरूर जो है कर सकते हैं. अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू वी स्नीज. तो इसका आंसर ये है कि जब भी हमारी एयर में से, हमारी जो है हवा में से जब हम ब्रीद इन करते हैं या ब्रीद आउट करते हैं, तो सांस लेने के दौरान अगर हमारी जो एयर है वो जो है पोल्यूटेड है, उसके अंदर कोई भी ऐसा पार्टिकल मौजूद है, डस्ट का कोई पोलन है, कोई और चीज है, जब वो हमारी एयर के थ्रू हमारी जो है नोज के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर जाता है, तो हमारी नेजल कैविटी के अंदर क्या है, दो चीजें हैं, हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और साथ में क्या होता है, म्यूकस की लाइनिंग है, जो हमारी दीवार है नेजल कैविटी के अंदर से, जो नाक की दीवार है वहां पे लाइनिंग होती है, म्यूकस की लाइनिंग होती है. म्यूकस क्या है, म्यूकस ये एक तरह का मादा है, ये एक तरह की गम है, ये स्टिकी सब्सटेंस है. आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जब आप लोगों को जुकाम होता है तो आप जब टिश्यू से अपना नाक साफ करते हैं, जो आपको नजर आता है जो व्हाइट कलर का जो गम सी, जो आपको स्टिकी जो सब्सटेंस नजर आता है, इट इज म्यूकस. तो आप लोग जो है म्यूकस को इस तरह समझ सकते हैं. अब ये म्यूकस का और हेयर का काम क्या होता है कि बाहर से जो भी आपकी जो एयर होती है उसको फिल्टर करना. इसलिए कहते हैं कि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा नेजल ब्रीदिंग करें, नाक से सांस लें, ठीक है, मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए. उससे क्या होता है कि आपकी एयर फिल्टर होती रहती है. तो यहाँ पे हमारे जो हेयर्स हैं छोटे छोटे, या जो म्यूकस की लाइनिंग है, जो म्यूकस है, इसका काम क्या होता है कि हमारी जो बाहर से हम इनहेल करते हैं एयर, इसको जो है क्लीन करना, इसको फिल्टर करना. तो जो भी डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे जो है स्टिक हो जाते हैं जो है म्यूकस के अंदर, या जो है इंटेंगल हो जाते हैं हेयर्स के अंदर. उससे क्या होता है कि हमारी जो हवा है, एक तो उसका टेम्परेचर भी मैनेज हो जाता है, दूसरा क्या होता है कि वो फिल्टर भी हो जाती है. अब इस दौरान हमारे जो नाक है, जो नाक की जो वॉल्स हैं, उनके अंदर क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर वहां पे फंस जाए, और फंसने के बाद वो इरिटेशन करे, टिकल करे, तो उससे क्या होगा कि हमें नाक में खारिश होगी, और हमारा जो ब्रेन है उसको मैसेज जाएगा कि आपके नेजल कैविटी के अंदर कोई ऐसी चीज फंस चुकी है जिसको आप जो है क्लीन करें. तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का जो स्नीजिंग सेंटर है वो एक्टिवेट होगा, और वापस जो है आपको, आपकी बॉडी को मैसेज भेजेगा, जिससे क्या होगा कि आपके लंग्स, आपके जो है आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, आपका डायफ्राम है, आपके जो चेस्ट के मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इसके साथ साथ आपका जो थ्रोट है उसके मसल्स जो हैं, ये सब मिलकर आपके जो है स्नीजिंग को एक्टिवेट करते हैं, और स्नीज का जो है पैटर्न को जो है एक्टिवेट करके आपकी स्नीज को क्रिएट करते हैं, आपकी छींक को जो है बनाते हैं. अब इसके अंदर क्या होता है, जैसी आपको छींक आती है तो आप लोग देखते हैं कि एकदम से आपको क्या करना पड़ता है, एकदम से आपको जो है पहले सांस अंदर लेना पड़ता है, ठीक है. सांस लेने के बाद क्या होता है कि आपके जो फेफड़े हैं वो एक प्रेशर डेवलप करते हैं, और वो प्रेशर जो है डेवलप होने के बाद आपको जो है छींक आती है. अब जब छींक आती है उसके अंदर क्या होता है कि आप सबसे पहले इस तरह से होता है कुछ. अब इसके अंदर क्या है कि एकदम से सांस अंदर जाता है विद इन सेकंड्स, और विद इन सेकंड्स आपके जो लंग्स हैं वो प्रेशर डेवलप करके आपको जो छींक है वो क्रिएट करते हैं. उससे क्या होता है कि आपकी जो एयर है वो प्रेशर से आपके नाक से बाहर निकलती है, और उससे क्या होता है कि जितने भी जो नाक के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो वायरसेस, बैक्टीरिया अगर इरिटेशन कर रहे थे, कोई डस्ट कर रही थी इरिटेशन, या कुछ भी कर रहा था, तो वो आपकी जो नेजल कैविटी है उसको क्लीन कर देते हैं, और इस तरह से आपका जो नेजल कैविटी है वो क्लीन हो जाता है, और आपको जो है जो आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके जो है चेस्ट तक नहीं जा सकते, और आपके लंग्स तक नहीं जा सकते, और इस तरह से आपको जो है जो दीगर जो फेफड़ों की बीमारी होती है उससे बचाता है आपका जो
ये रिफ्लेक्स है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स है, ये एक नेचुरल जो है रिफ्लेक्स सिस्टम है। सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि मुंह से स्नीज नहीं करना चाहिए, ठीक है, नेजल स्नीज करना चाहिए, जो नाक से स्नीजिंग होती है वही करनी चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्नीजिंग, जो स्नीज है, जो छींक है, इसकी जो वजूहत है वो क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले जो कॉज आती है वो ये आती है कि हमारे पास अगर किसी को सर्दी लग गई है, कोल्ड की वजह से भी स्नीजिंग हो सकती है। एलर्जी होती है कुछ लोग जो है सेंसिटिव होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि लेम लैंग्वेज के अंदर भी हम कहते हैं कि हम लोग जो है या कोई भी ये सेंसिटिव है लाइट से या जो है सर्दी से सेंसिटिव है, इसको जल्दी सर्दी लग जाती है, तो ये सेंसिटिविटीज होती हैं। एलर्जी होती है कुछ लोगों को, तो उससे क्या होता है कि हमें जो है स्नीज आती है। इसके अलावा अगर किसी को लाइट से अगर सेंसिटिविटी है तो सूरज के अंदर जाते ही कुछ लोगों को जो है सुबह सुबह सर्दियों के अंदर क्या होता है, कुछ लोग जब धूप के अंदर जाते हैं तो उनको जो है छींक आना स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों को जो है स्पाइसेस से एलर्जी होती है, उससे छींक आती है। कुछ लोगों को जो है जब उनकी तबीयत खराब हो जाए, एलर्जी हो जाए, या फिर इसके अलावा जो है बैक्टीरियल या जो वायरल इन्फेक्शन है ये हो जाए तो उसके अंदर भी जो है छींक आ सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि पोलन एलर्जी की वजह से भी हमें स्नीजिंग स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा भी और भी अगर कोई डस्ट है, डस्ट के अंदर काम की है तो उसकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है, उसकी वजह से भी स्नीजिंग स्टार्ट हो सकती है, और भी इस तरह की कई कॉजेज है। मेन यही बात है कि आपकी जो नेजल कैविटी है, सांस के अंदर कोई भी चीज जो है, आपकी जो एयर है अगर वो पोल्यूटेड होकर आपके एयर वे के अंदर जाएगी तो आपका जो नेजल कैविटी है वो आपके ब्रेन को मैसेज सेंड करेगा और स्नीजिंग स्टार्ट होगी और आपकी स्नीज क्रिएट होगी, ताकि आपका जो नेजल कैविटी है, जो आपका एयर वे है, उसको साफ करने की कोशिश की जा सके। नेक्स्ट बात आती है, वो कहते हैं कि हाउ टू स्नीज करेक्टली, आप जो है सही तरीके से कैसे स्नीज कर सकते हैं। जैसे कि कोविड के दौरान भी ये बताया गया कि आप लोगों को छींक आती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जब छींक आती है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया या वायरसेस या जो आपका इन्फेक्शन होता है नेजल कैविटी के अंदर, वो एक प्रेशर से बाहर निकलता है और उसके अंदर क्या होता है कि आपके अगर साथ में कोई है तो वो उसको इन्फेक्ट कर सकता है, वो उसको जो है मुंतकिल हो सकता है। तो इस तरह से जो है हम लोग उनको बचाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है अगर आपने अपने हाथों में छींकना है तो उसके लिए आपके पास क्या हो कि एक रुमाल हो या टिश्यू हो, ताकि आप अपने जो है हाथों के अंदर छींकना चाहते हैं तो टिश्यू या रुमाल में छींके। इसके अलावा अगर आप अपने हाथों के अंदर छींक भी रहे हैं तो उसके अंदर क्या है कि आप लोग बाद में अपने हाथ वॉश कर लें, ताकि जो आपका इन्फेक्शन आया आपके हाथों के अंदर वो क्लीन हो जाए। इसके अलावा अगर आप क्या कर सकते हैं कि आप लोग जो है अपने एल्बो के अंदर, कोहनी के अंदर छींकें, जैसा कि आपको जो है कोविड के दौरान बताया गया बार बार। इसके अलावा हमने जैसे कि बात की थी कि अपनी छींक को रोकना नहीं है, तो ये भी जो है गलत है। आप अपनी अगर छींक को रोकते हैं तो उससे क्या हो सकता है कि आपकी जो आईज हैं उसके ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है और आपके गले के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है और आपके कानों के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपका जो लंग्स हैं वो बहुत प्रेशर से एयर जो है एक्सहेल करना चाह रहे हैं नाक के थ्रू, और अगर आप उसको रोकते हैं तो वो आपके कानों को और आपकी आंखों को डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए जो कहते हैं कि आप अपनी छींक को ना रोकें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिकअप्स के ऊपर, हिचकियों के ऊपर, कि हिचकियां क्या होती हैं, क्यों आती हैं। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग ये वीडियो जरूर शेयर करें और जो है बेल आइकन को जरूर हिट करें और सब्सक्राइब का बटन भी हिट करें।